yesterday we had done two comments. Delete one, right? Okay. Today we'll do third, that is the update one. ठीक है, सो अपडेट अगर हमको करना है तो आई विल एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नंबर एंड अपडेट हिज सैलरी. अपडेट हिज सैलरी. ओके, सो वी कैन अपडेट अ सिंगल फील्ड और वी कैन अपडेट मल्टीपल फील्ड. सो आई डू अपडेट सिंगल फील्ड. So what will I accept? What will I accept from the user? Employee number. And what will I update? Salary. Salary. So let's make the database in shape first. The database table contains how many records? Database table में कितने record है अभी? कुछ भी नहीं है. तो इसमें हम पांच रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं. पहले क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं. तो इसको हम पांच रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं प्ले करके. तो एज आई प्ले, सो वील एंटर आर दोज टिपिकल फाइव रिकॉर्ड्स व्हिच बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो 101, क्या नाम? एलिस. और क्या सैलरी? इंसर्ट हो गया. फिर 102, देन इंसर्ट 103. इस ए बी सी डी ई A B C D E. और इंसर्ट. तो ये पांच रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए ना. नाउ इफ आई गो टू द डेटाबेस एंड शो यू एंड इफ आई जस्ट रिफ्रेश यू विल सी फाइव रिकॉर्ड. दिखा? ओके, अभी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स में लेना है एम्प्लॉय नंबर और दूसरे में लेना है सैलरी, और वो एम्प्लॉय नंबर को नई सैलरी वो अपडेट करना है. ठीक है, सो व्हाट इज द सैलरी ऑफ एलिस? 800. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग ओवर हियर 101 इज व्हाट? होम फॉर एलिस. एंड आई विल बी एंटरिंग ओवर हियर 5000. सो व्हाट विल हैपन व्हेन आई क्लिक ऑन अपडेट? The salary will be changed to 5000. Of whose? Of Alice. Of this employee. ठीक है. और कितने कितने कॉलम अपडेट होंगे उससे? एक ही. तो इसके लिए सिंगल फील्ड. ठीक है. और फिर हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे अपडेट मल्टीपल फील्ड. सो नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग, तो हम लोग उसका नाम और सैलरी दोनों बदली कर देंगे. तो अपडेट मल्टीपल फील्ड्स. सो विल बी अपडेटिंग हिज नेम एज वेल एज हिज. सो लेट्स स्टार्ट ओवर अपडेट. सो व्हाट इज द क्वेरी फॉर अपडेट? क्वेरी क्या रहेगा? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नाम. कॉलम का नाम, तो नया सैलरी कहां से मिल रहा है? नया सैलरी कौन से टेक्स्ट बॉक्स से मिलने वाला है? सैलरी टेक्स्ट बॉक्स 3. यस. और कौन से एम्प्लॉई का? एलिस 101. वे ई नंबर इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1. यस, समझा? ये हो गया. बाकी सब कुछ सेम है. Copy this and paste. Or it is update query, it is non-select.
हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड? वन रिकॉर्ड. तो एन में क्या जाएगा? अपडेटेड. एन में जाएगा वन. ठीक है सर. नॉट लिखा है. हाँ तो शुरू में लिखा है ना, तो else में लिखा है ना. else. ओके ओके. हाँ तो if how many records will be updated will go in the variable n, and if n is 1 means record updated, else record not updated. Okay, sir. Now when I play this, so we know that the old salary of Alice, the current salary of Alice is how much? 800. Now if I say 5000, so now if you observe over here, the current salary कितनी है Alice की? 800. ठीक है, अभी मैं एक कोड रन करता हूँ. मैं क्या लिख के आया? Record updated successfully. Okay, I close this, and when, now when I go to the database, and see कितना हो गया? 5000. ठीक है. Now if I want to change the name as well as the salary, so I will accept the employee number and I will change the name as well as salary of that employee number. क्या करना है? The name and salary. So we'll go here and we'll click on this. So we'll copy this table because इतना similarity तो रहेगा ही. ये code copy करेंगे और पेस्ट कर देंगे. कैसे करेंगे? अपडेट सैलरी कहां से मिलने वाला है? टेक्स्ट 3 से. और लेने का कॉमा. क्या देने का? कॉमा. और ई नेम कहां से मिलने वाला है? टेक्स्ट बॉक्स 2. और वो ई नेम इज अ स्ट्रिंग. नो यस. तो इसके लिए ऐसा. समझा? सो set the sal from text 3 comma and the e name from text 2 whose the e number is text 1. Now let's play. So 102 का नाम क्या है? Ben. और salary कितनी है? 900. So I'll make it frank and 10,000. I'll make it what? So now when I play this, so first it will accept, ask me for the employee number. Hula, did you see this? दिख रहा है? हाँ सर. तो 102 नया नाम क्या है उसका? Frank. और नया सैलरी कितना है? 10,000. तो अभी कितने फील्ड्स अपडेट होंगे उसके? तो क्या किया? रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. एंड नाउ इफ यू वांट टू गो एंड सी द डेटाबेस, यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ. तो उसका नाम भी चेंज हो गया है और सैलरी. समझा? हाँ सर. क्लियर? यस सर. ओके, तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया. नाउ वी विल गो टू सिलेक्ट. नाउ वी विल गो टू व्हाट? सिलेक्ट. तो सिलेक्ट के लिए हमारे पास क्या था? एग्जीक्यूट क्वेरी. क्या एग्जीक्यूट सिलेक्ट के लिए क्या था हमारे पास? सिलेक्ट कितने टाइप का था? सिलेक्ट कितने टाइप का है? दो टाइप का. सिंगल फील्ड और सिंगल फील्ड एंड मल्टीपल फील्ड. तो लेट्स डू बोथ सिलेक्ट. लेट्स डू सिलेक्ट अ सिंगल फील्ड एंड विल ऑल्सो डू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड. ठीक है, तो पहले करते हैं सिंगल फील्ड वाला. तो आई विल एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नंबर एंड डिस्प्ले हिज सैलरी ओवर हियर. ठीक है. So when the user enters 101, his salary will reflect in which text box?
क्वेरी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो क्या क्वेरी क्या रहेगा? व्हाट एम आई एक्सेप्टिंग? ओनली अ सिंगल फील्ड? नो, तो सिलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ई नंबर इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन। ठीक है, और अभी इसका बना दो सीएमडी। तो सीएमडी क्या बनेगा? इक्वल्स टू न्यू ओएलईडीबी कमांड क्वेरी और कनेक्शन एज आर्ग्यूमेंट। एज आर्ग्यूमेंट क्या? क्वेरी और कनेक्शन। अभी क्वेरी किस टाइप की है? सिलेक्ट या नॉन सिलेक्ट? सिलेक्ट। तो एग्जीक्यूट क्या आएगा? और सिंगल फील्ड है ना, तो क्या आएगा? एग्जीक्यूट स्केलर। और लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल किस टाइप का रहेगा? जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आई एम सिलेक्टिंग सैलरी। सैलरी किस टाइप की है? इंट टाइप की। तो इसके लिए आई टेक अ वेरिएबल एस एज इंटीजर। ठीक है, एंड द फंक्शन विच आई विल बी यूजिंग इज एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट स्केलर एंड व्हाट एवर इट रिटर्न्स विल बी स्टोर्ड इन विच वेरिएबल? And where will I display the X now? In which text box? X. ठीक है? 3। तो अभी इसको मैं प्ले करता हूँ। क्या करता हूँ? इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है? So do you see the output? Yes. 101 कितना है? 102 कितना है फ्रैंक का? 103 कितना है? 104 कितना है? 105 कितना है? समझा? 1200। एंड नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले मल्टीपल, ओके, नाउ इफ आई वांट टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नंबर एंड डिस्प्ले हिज नेम, फिर अभी बस सिर्फ नाम डिस्प्ले कर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपन क्या करेंगे, इधर एक और बटन ले लेंगे। ठीक है, सिंगल फील्ड ये भी ना, तो सिलेक्ट सिंगल फील्ड सैलरी। क्या था इधर? फील्ड सैलरी। और यहाँ पर क्या है? सिंगल फील्ड नेम। ओके, सिलेक्ट सिंगल फील्ड एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय तो उसमें क्या करेंगे अभी? तो अभी वेरिएबल किस टाइप का होगा हमारे? एस किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का। ब्यूटीफुल। ठीक है, और सिलेक्ट करते हो सेल करेंगे, क्या करेंगे? सिलेक्ट ई नेम है ना, और फिर वो जाएगा एस में, और एस कहाँ जाएगा? टेक्स्ट स्क्रीन। समझा? हाँ सर। तो नाउ व्हेन आई प्ले दिस, यस टेल मी, हमें नाम देना है और सैलरी आएगा। सैल हमको एम्प्लॉय नंबर देना है और नेम आएगा। नेम आएगा, ओके। तो नाउ व्हेन आई से 101 एंड क्लिक ऑन सिंगल फील्ड नेम, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स शुड हैव चेंज्ड, टेक्स्ट बॉक्स शुड हैव चेंज्ड। We are showing name in which text box? Two text box. So text box 2 चाहिए था। तो अभी क्या करेंगे इधर? 101 किया। One. Alice आया? Alice. हाँ sir. 102. Frank आया? Ben. Frank. 103 Charles. Charles. 104 Dom. Dom. 105 Eric. Eric. Now if I want to show name and salary both, then what to do? So select multiple. So abhi kya aa gaya? Select with multiple fields. To uske liye kya hai? Execute reader. Aur uske LHS mein kaun sa variable rahega fir? Uske LHS mein kaun sa variable rahega? Nahi. Dekho yahan par maine kiya tha us din. तो अगर एग्जीक्यूट स्केलर है तो एलएचएस में क्या रहेगा? वेरिएबल ऑफ द टाइप ऑफ डेटा वी आर एक्सपेक्टिंग।
तो व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग सैलरी एलएचएस वाज इंटीजर, व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग नेम एलएचएस वाज स्ट्रिंग, है ना. एग्जीक्यूट रीडर में एलएचएस है डेटा रीडर टाइप का, किस टाइप का? डेटा रीडर, डेटा रीडर टाइप करेगा एलएचएस, क्या रहेगा? डेटा रीडर टाइप, समझा? हाँ सर. चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे तो अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट विथ मल्टीपल फील्ड्स, है ना. तो क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, स्टार किस लिए? द एंटायर रो. ओके, यू वांट टू सिलेक्ट ओनली द एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम, ऐसा क्या? यू वांट टू डू लाइक दिस? नो, विल बी सिलेक्टिंग द नेम एंड सैलरी. यू वांट टू सिलेक्ट द नेम एंड सैलरी, राइट? फ्रॉम एम्प्लॉय में ई नंबर इक्वल्स टू, ई नंबर कहाँ से मिल रहा है? एक्सबॉक्स वन. ठीक है, सो ई नंबर और सैलरी. सो इफ आई एंटर 10, इफ आई एंटर 101, इफ आई एंटर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट? एलिस एंड 5000. ब्यूटीफुल, वेरी गुड. तो अभी देखो, अभी इसमें आपको ये आइडिया अच्छे से आना चाहिए. अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स में डाला 101, क्या डाला मैंने? 101. तो हमारे डेटा रीडर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए लॉजिक. तो डेटा रीडर में क्या आएगा, एलिस, उसका सैलरी 5000 हो गया ना. ओके, इसको हम बोलते हैं डेटा रीडर. क्या बोलते हैं इसको? तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीआर. ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? डीआर. तो ये जो है, ये dr ऑफ कौन सा इंडेक्स हो गया? जीरो. और ये dr ऑफ कौन सा इंडेक्स हो गया? वन. dr ऑफ जीरो कौन से टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा फिर? यस, एज सिंपल एज दैट. ये आपको लॉजिक आना चाहिए, समझा? और dr ऑफ वन में क्या जाएगा? वन किस में जाएगा? टेक्सबॉक्स वन. टेक्स नहीं, टेक्सबॉक्स थ्री. थ्री है ना, बस. तो ये लॉजिक आपको आना चाहिए. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक डेटा रीडर. तो डेम डी आर एज डेटा रीडर, ओएडीबी डेटा रीडर. ठीक है, अब ये क्वेरी को फायर कैसे करेंगे? सीएमडी इक्वल्स टू न्यू OLEDB command. OLEDB command. Query and connection. Connection. अभी CMD से कौन सा फायर करना है? Execute non query scalar क्या है? Reader. Execute. Which execute one? Reader. Reader. फिर what will be on the LHS then? DR. DR. And now DR के अंदर क्या-क्या आ गया अभी? अभी DR के अंदर क्या-क्या आ गया? DR0, DR1. तो वो किस में जाएगा? Textbox 2 equals to equal to DR0 and Textbox 3 समझा? अभी हम प्ले करेंगे इसको. Now let's play this. Okay, so now when I enter 101 and click on multiple fields, क्या बोल रहा है? No data exists. Okay. Sorry, we didn't give dr dot next. We should have given what? We should have given something. एक मिनट है, यू हैव टू गिव व्हाइल dr डॉट रीड. क्या है dr डॉट रीड? हाँ, अगर उसने कोई रिकॉर्ड रीड किया है तो
और ये वाइल को एंड कर देंगे, समझा? तो ऐसे ऐसा दे देंगे। तो ये तो एक ही रिकॉर्ड है ना, तो आप यू कैन गिव इफ ऑल्सो, बट लेट्स स्टिक टू वाइल। सो नाउ व्हेन आई प्ले दिस एंड एंटर 101 एंड मल्टीपल फील्ड्स, आया? हाँ सर, नेम। इफ आई से 102, आया? थ्री, आया? हाँ। ओके, अभी अगर मुझे मालूम नहीं है कि कितने एम्प्लॉई है और मैंने गलती से डाल दिया 111, तो क्या होगा? तब तो ये रिकॉर्ड नहीं है ना, तो हाँ। हमको यूजर से जितना हो सके उतना कम डेटा लेना है। क्या लेना है? कम डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट ऑल द एम्प्लॉई नंबर्स इन अ कॉम्बो बॉक्स। व्हाट विल वी पुट? All the employee number in the combo box. And we will choose the number from the combo box. So if it is reflecting in the combo box, मतलब वो employee है, नहीं है तो employee number नहीं है, ठीक है? हाँ सर। तो अभी हमको क्या करना है, सारे के सारे employees किसमें डालना है? Combo box में। तो सारे के सारे employee मतलब the query number. The query will have multiple fields or single fields? The query will have 5 employee numbers, no? So this will be the output of your query. So if this will be the output of your query, right? So which will have, yes, which will have the 5 employee numbers. Employee number. So single field ka multiple field output. 101, 102, 103, 104. तो ये आउटपुट सिंगल फील्ड है क्या मल्टीपल फील्ड है? मल्टीपल फील्ड। तो एग्जीक्यूट स्केलर के एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर। यस, वेरी गुड। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, और ये इसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स 1, तो आई विल नेम इट एज CB1। क्या नाम दे दूंगा इसका मैं? CB1, ताकि छोटा लगे ये नाम, CB1, ठीक है? एंड एट व्हाट इवेंट विल आई लोड दिस? एट द फॉर्म लोड इवेंट। व्हाट इवेंट? Form loaded. As soon as the form loads, you will have data in this. Okay? Okay, sir. तो क्या करेंगे अभी अपन, जैसे ही form load होगा, form load. तो query क्या होगा हमारा? What are you going to select? Select employee number. है ना? हाँ sir. और फिर इसके लिए अपन ने DR चाहिए हमको इसके लिए, क्योंकि वो DR था नीचे वाले फंक्शन के लिए, तो इसको लिए हम दे देंगे DR1 as and इसके लिए न्यू कीवर्ड नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये रेफरेंस ही है, डेटा रीडर, ठीक है? एंड नाउ व्हाट विल बी द CMD? CMD इक्वल्स टू न्यू और क्या रहेगा, क्वेरी और कनेक्शन। और फिर CMD से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट विच क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर। और LHS में क्या जाएगा फिर, डेटा रीडर। और फिर क्या करना है, वाइल DR1 डॉट और क्या, तो किसमें डालना है, कॉम्बो बॉक्स में डालना है ना आइटम, तो कॉम्बो वन। तो फर्स्ट इटरेशन में व्हाट विल बी, तो ये DR1 है ना, कौन सा इंडेक्स उसका, 0 to 0 है ना, एक ही कॉलम है, हाँ। तो ये किसमें जाएगा, कॉम्बो बॉक्स 1.items.add, क्या बोलेंगे, combo box 1.items.add, yes, because we are adding items in the combo box, and like this. So when the loop finishes, it will, in the first iteration it will add 101, second iteration it will add 102, 3, 4 and 5, samjha? Haan. Okay, so cb1.items.add kahan se nikalna hai humko,
यार वन दिख रहा है, समझा? So now as I play this, as I play and the form loads, you will have data in the combo box. So जैसे मैंने play किया और इसमें click किया, आ गया? हाँ. समझा? हाँ sir. Okay, if I want to put the names in this, then what changes will I make over here? Select e name. E name. That's all. बस. जस्ट सिलेक्ट ई नेम. तो अभी जब इसको प्ले करेंगे हम लोग तो फॉर्म लोड पे हमको उसके नाम सारे नेम आ जाएंगे. समझा? हाँ सर. ओके, अगर मैं सिलेक्ट स्टार करता, अभी देखो यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगा. अगर मैं करता सिलेक्ट स्टार, क्या करता मैं? सिलेक्ट स्टार. तो हाउ वुड योर डी आर लुक लाइक? Your DR would look something like this. ये employee numbers, ये employee name. So you got to have very clear idea कि DR के अंदर कैसा दिख रहा है data. फिर आपका काम sorted है. तो data ऐसा होता था फिर हमारा, right? एलिस, ये बेन की जगह फ्रैंक हो गया था. फ्रैंक, चार्ल्स, डॉम और एरिक. इसकी सैलरी 5,000 हो गई थी, इसकी 10,000 और बाकी लोग थे 1,000, 1,100, 1,200. ठीक है. तो अभी अगर मैंने क्वेरी मारा है सिलेक्ट स्टार, तो ये पूरा आ गया. तो ये डीआर ऑफ 1, ये 0 है, ये क्या है? डीआर ऑफ 1. और ये क्या है फिर? डीआर ऑफ 2. तो इफ आई वांट टू ऐड द नेम्स नाउ, व्हाट विल आई से? इफ आई वांट टू ऐड द नेम्स नाउ, व्हाट विल आई से? तो अभी अगर मुझे सारे नाम ऐड करने हैं, हाँ सर, तो अभी क्या दिखूंगा? तो हम कर सकते हैं ना. तो क्या लिखेंगे हम लोग? डीआर बॉक्स डॉट आइटम डॉट ऐड डीआर 1. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यू शुड नो व्हाट इज देयर इन द डीआर. तो सिलेक्ट स्टार किया और नाम चाहिए तो क्या करेंगे? डीआर 1. समझा? और इफ आई वांट सैलरी, देन इफ आई वांट टू स्टोर ऑल द सैलरीज, देन डीआर 2. डीआर 2, परफेक्ट. So now if I say DR2 will and I play this, will show me all the salaries. ठीक है, दिख रहा है आउटपुट? दिख रहा है आउटपुट? दिख रहा है क्या? नहीं सर. दिख रहा है सारे सैलरी आ गए? हाँ सर. हाँ सर. तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय नंबर्स. क्या लेते हैं? तो सिलेक्ट स्टार करके, हाउ डू सिलेक्ट स्टार? आई विल पुट व्हाट डीआर ऑफ 0. ओके, नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग आई डोंट वांट टू यूज अ टेक्स्ट बॉक्स. नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग आई डोंट वांट टू यूज अ टेक्स्ट बॉक्स, आई विल डायरेक्टली यूज द डीआर. तो अभी देखो जैसे इधर था ना सिलेक्ट सिंगल फील्ड, तो व्हाट वाज आई गिविंग? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स. नो, now I'll choose from the DR. Now I'll choose from the DR. नहीं, क्या था उसका नाम? Combo box ना? DR नहीं sir, CB1. CB1. तो now I'll choose from where? CB1. तो ये था single field के लिए. Single field name, salary. अब ये single field name के लिए भी while choosing I'll choose from the CB1. And multiple field also I will choose from the CB1. ठीक है. Now when I play this, do you see the output? दिख रहा है? Yes sir. तो now I'll choose the employee number from here and display his details. दिख रहा है? हाँ sir. तो यहाँ से choose करेंगे हम लोग और उसके details दिखाएंगे.
ताकि टेक्स्ट बॉक्स में से मिनिमम डेटा हो तो मिनिमम गलती हो हमारी, समझा? तो क्लियर विद दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ? यस सर। ओके, नाउ व्हाट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द एंटायर टेबल, बिकॉज़ व्हेनेवर आई वांट टू कंफर्म आई हैव टू गो टू द डेटाबेस एंड कंफर्म, है ना, ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ क्या, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ क्या, तो आई हैव टू गो टू द डेटाबेस एंड चेक नो कि हुआ कि नहीं, चेक। अब मुझे डेटाबेस का वो डिपेंडेंसी निकालना है, मुझे मेरे फॉर्म पर ही देखना है डेटाबेस चेंज हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है उसको बोलते हैं डेटा ग्रिड। क्या बोलते हैं उसको? डेटा ग्रिड। यस, तो हम लोग डेटा ग्रिड पे से क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्म देख सकते हैं। तो डेटा ग्रिड, तो सर्च फॉर डेटा ग्रिड, ए बी सी डी में सर्च करो, डी डी डी, हाँ दिखा, ग्रिड व्यू, हाँ यस डेटा ग्रिड व्यू दिखा ना, तो उसको हम डाल देंगे इधर। तो इसमें पूरा टेबल शो करना है हमको, यस और नो? यस। तो व्हाट विल बी द क्वेरी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटन के क्लिक पे व्यू करेंगे इसको, तो एक बटन ले लेंगे और क्या रहेगा, व्यू व्यू Employee, Employee table. Records, जो भी आपको नाम देना है वो, तो ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके इसका नाम चेंज हो गया था क्या, हमको चेंज करना है उसका टेक्स्ट, क्या चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट में स्पेस नहीं हो सकता, व्यू Employee Records। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेटा अडैप्टर, क्या यूज करेंगे, डेटा अडैप्टर। डेटा अडैप्टर का क्या रहता है रोल पता है क्या आपको, बहुत सिंपल सा रोल है डेटा अडैप्टर का, कि ये बंगलो है, क्या है बंगलो, और ये उस एरिया का वाटर हेड टैंक है, उस एरिया का क्या है ये, वाटर टैंक है बड़ा वाला, ठीक है। अब ये बंगलो को वाटर सप्लाई कहां से मिलता है, वाटर टैंक से। तो ये पाइपलाइन है ऐसा, फिर अंडरग्राउंड जाके ये पाइपलाइन इधर बंगलो में आता है, ठीक है। तो बंगलो के पास एक मोटर है, क्या है मोटर, तो जिससे वो अपने बंगलों के ओवरहेड टैंक में पानी को सक करके डालता है ना, तो इस मोटर से सक करके पानी बंगलो ओनर क्या करता है, उसके घर के ऊपर एक वाटर टैंक है उसमें स्टोर करता है, यस और नो? तो ये उसका खुद का वाटर टैंक है, तो ये मोटर क्या करता है, यहां से पानी सक करता है और इसमें स्टोर करता है, और घर वाले फिर कहां से पानी यूज करते हैं, वाटर टैंक में से। तो ये इसका कनेक्शन किचन में है, वॉशरूम में है, जहां जहां देना है दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आया लॉजिक ये? हाँ सर। ओके, अभी अगर ये वाटर टैंक से पानी सक करके हमने हमारा टैंक फुल कर दिया है, क्या कर दिया है, एंड वंस द टैंक इज फुल इट कैन लास्ट फॉर 24 डेज, इट कैन लास्ट फॉर 24 आवर्स, इट कैन लास्ट फॉर, and if there is some maintenance activity going on, if there is a maintenance activity going on in the this tank and they tell ki ek din pani nahi aayega, will we suffer? No sir, because we already because have stocked that much, hai na? To hum log kya karte hai, database mein jitna humko required hai na, wo requirement hum log kya karte hai, ye jo pump hai isko bolte data adapter, kya bolte hai isko, data adapter, इसमें से सक करके हम डेटा सेट में स्टोर कर लेते हैं, किसमें स्टोर कर लेते हैं, डेटा सेट इज अ इन हाउस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इन हाउस मतलब अपने .NET के अंदर, क्या है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इन हाउस ठीक है। जैसे कुछ कुछ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, दे हैव देयर इन हाउस डीजे, दे हैव देयर In-house DJ. तो उनको डीजे बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका खुद का ही डीजे होता है, तो
तो ऐसे हमको अभी हमारा खुद का डेटा आ गया डेटाबेस के, उसको बोलते डेटा सेट, क्या बोलते हैं उसको? डेटा सेट। एंड डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, स्टोर द डेटा या इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। और फिर हम हमारे एप्लीकेशन में हमारे डेटा डेटा सेट से यूज करेंगे, हम मेन डेटाबेस में जाएंगे नहीं वापस, है समझ में? तो नाउ व्हाट आई विल डू इज फॉर अडैप्टर आई विल फायर दिस क्वेरी। तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा एम्प्लॉय टेबल का डेटा इस अडैप्टर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस डेटा सेट में, डेटा सेट और डेटा ग्रिड में है ना, डेटा ग्रिड में जो फॉर्म पे डेटा ग्रिड है, जो फॉर्म पे डेटा ग्रिड है ना, तो उस ग्रिड्स को मैं कहां से डिस्प्ले करूंगा फिर, फॉर्म को मैं, जो फॉर्म पे डेटा ग्रिड है ना वो ग्रिड हम कहां से डिस्प्ले कराएंगे फिर, हमारे डेटा सेट से, समझा? तो नाउ लेट्स गो, सो इस पे आ गए। तो क्वेरी क्या होगा पहले बोलो, क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर सीएमडी क्या होगा, न्यू न्यू ओडीबी कमांड क्वेरी एंड कनेक्शन, ठीक है। और अभी हमको बनाना है अडैप्टर, तो हम क्या करेंगे, डेम डेटा adapter as OLEDB data adapter, yes, दिख रहा है? हाँ सर। तो अभी ये जो है ना, एक मिनट, so we will also require data set, we will also require data set, so dim ds as new नहीं नहीं डेटा सेट में OLEDB नहीं है, डेटा सेट में OLEDB नहीं है, रिमेंबर आई शोड यू इनिशियली, आई शोड यू दैट टेबल, इफ यू रिमेंबर आई शोड यू अ PDF जिसमें दिखाया गया है कि डेटा सेट में नहीं है OLEDB, देखो इधर डेटा सेट में OLEDB नहीं है, देयर इज नो OLEDB, डू यू सी इट, आर यू सीइंग इट, यस यस, डेटा सेट में बाकी सब में OLEDB है, कमांड में, अडैप्टर में, रीडर में, बट डेटा सेट इज डेटा सेट, ओके, यस। तो वो भी हम बना लेंगे डेटा सेट, और ये CMD की जगह पे हम लोग अडैप्टर को यूज करेंगे अभी, विल नॉट यूज CMD, विल यूज द adapter. So DAP is new OLEDB ठीक है, बाकी syntax same ही है, DAP का और CMD का syntax same है। अब इस DAP से क्या fill करेंगे हम लोग, इस DAP data से set. Very good, तो function का नाम ही fill है, क्या है, fills ठीक है, DAP dot fills, and what are we filling, the data set. In the data set we have lots of tables, right? Data set में बहुत सारे tables है ना, तो हम इस table का नाम क्या देंगे, data set के अंदर भी क्या नाम देंगे, employee EMP जो भी नाम देना है आपको, तो मैं क्या नाम दे रहा हूँ, EMP, तो वो हमको fill करते हुए देना पड़ेगा, fill करते हुए, ठीक है, तो fill करते हुए क्या दे देंगे हम लोग, data set और टेबल का नाम दे दिया EM। अभी कितने टेबल हो गए डेटा सेट में हमारे, एक टेबल, एक ही टेबल, तो इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू वन, क्या नाम है, डेटा ग्रिड व्यू, आई विल गिव अ सिंपल नेम DGV1, व्हाट आई विल गिव, DGV1। अब इस DGV1 से, इस DGV1 को डेटा कहां से मिल रहा है, डेटा सेट से, यस, डेटा, तो इसका डेटा सोर्स कौन सा एट्रीब्यूट, डेटा सोर्स, तो डेटा सेट का कौन सा टेबल, EMP टेबल, वो कौन से इंडेक्स पे है, एक ही टेबल है ना,
तो इंडेक्स क्या उसका? जीरो. नाउ व्हेन आई प्ले दिस, अब जब मैं प्ले करूंगा उसको, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं सर. दिख रहा है अभी? हाँ सर. एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड आ गए? हाँ सर. तो अभी अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करूं, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करूं 102, उसको डिलीट कर दूं, डिलीट हो गया, और यहाँ रिफ्रेश करूं तो यहाँ दिखेगा मुझे. समझ में आ रहा है? हाँ सर. चलो ठीक है. तो कॉल इज कमिंग टू एन एंड, यू प्रैक्टिस दिस. ओके, दीज आर ऑल योर डेटाबेस क्वेरीज.